Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Swati. आज अपन देखेंगे वॉशिंग मशीन के वर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, मशीन कंट्रोल, वॉशिंग मशीन की साइकिल, हार्डवेयर और उसके टाइप्स. सो फर्स्टली वॉशिंग मशीन इज यूज टू वॉश द क्लोथ्स एंड लिनन. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के लिए अपने को लगता है इनपुट और आउटपुट. और इनपुट में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, यूज़र बटन प्रेस करता है, पुश करता है. फिर यूज़र वाटर टेम्परेचर भी देखता है, उसकी स्पीड देखता है, रम स्पीड कितने इसमें रोटेट हो रहा है, लेवल देखता है बाय यूजिंग सेंसर. और वॉशिंग मशीन का डोर क्लोज हुआ है कि नहीं वो चेक करता है. आउटपुट में क्या प्रोसीजर होती है, ड्रम, मोटर, वाटर हीटर, वाटर पंप, वाटर वॉल्स, यूज़र डिस्प्ले एंड डोर रिलीज हुआ है कि नहीं वो. ये दोनों चीज करने के लिए इनपुट और आउटपुट अपने को कुछ तो लगेगा ना, तो कंट्रोलर यूज़ करते हैं. कंट्रोलर से अपने को कंट्रोल इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है. ये अपनी डायग्राम है इनपुट आउटपुट इन एन इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन. अब अपन देखेंगे वॉशिंग मशीन कंट्रोल कैसे होता है. सो सबसे पहले क्या होता है, एसी सप्लाई अपन पास करते हैं टीरैक को. टीरैक कंट्रोल करता है मोटर को काय के यूज़ में, टीरैक कंट्रोल सिग्नल के. और जो भी स्पीड रहती है मोटर की वो कंट्रोल करते हैं अपन पावर से. माइक्रो कंप्यूटर यूज़ टीरैक कंट्रोल सिग्नल टू टीरैक. इससे पता चलता है कि कितना अमाउंट का अपने को पावर पास करना चाहिए मोटर को रोटेट करने के लिए. और जैसे ही रोटेट होती है मोटर, उसके साथ में ड्रम अटैच रहता है, ड्रम भी रोटेट होएगा और ड्रम की स्पीड अपने को पता चलती है स्पीड सेंसर से. और ड्रम इज़ रोटेटिंग एट डिफरेंट स्पीड. ओके, और सबसे लो स्पीड रहती है अपनी 30 RPM. जो क्लोथ वॉश होता है, वॉश कर सकते अपन. और उसकी इंटरमीडिएट स्पीड रहती है 90 RPM. उससे वाटर इज पंप आउट. और सबसे हाई स्पीड रहती है 500 to 1000 RPM टू स्पिन द ड्राई क्लोथ्स. अब अपन देखेंगे वॉशिंग मशीन की हार्डवेयर डायग्राम. तो ये वॉशिंग मशीन के हार्डवेयर डायग्राम में सबसे पहले ये रहता है टेम्परेचर सेंसर, जो सेंस करता है वाटर का टेम्परेचर. ये सेफ्टी कटआउट स्विच रहता है, इससे पता चलता है कि ऑन पोजीशन में है या नहीं. माइक्रो कंट्रोलर चेक करता है. ओके, थर्ड वन, दिस वन इज कीबोर्ड फॉर प्रोग्राम सिलेक्शन. फोर्थ वन इज वाटर लेवल गेज. फिफ्थ वन मोटर फॉर वॉशिंग ड्रम. सिक्वेंस इज पावर स्विच फॉर मोटर. दिस वन इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग डिजिटल. ओके, और दिस इज अ माइक्रो कंप्यूटर. नाउ सेवेंथ वन इज हीटर फॉर वॉशिंग मशीन, सॉरी वॉशिंग वाटर. ओके, एट वन वाटर इनलेट वॉल्स. ओके, नाइन्थ वन इज वाटर सक्सेशन पंप.
दिस इज द हार्डवेयर डायग्राम ऑफ वॉशिंग मशीन हार्डवेयर. ओके, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन. पहला रहता है सिंपल वॉशर, सेकंड वन इज सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड थर्ड वन इज फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन. ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंपल वॉशर. इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अपन क्लोथ वॉश कर सकते हैं, ना ड्राई की फैसिलिटी रहती है ना कुछ, और इसकी कॉस्ट कम रहती है एज कम्पेयर टू सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन. सेकेंड वन इज सेमी ऑटोमेटिक मशीन. ये कंट्रोल पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से नहीं होता है और ये मैन्युअली रिक्वायर्ड है. थर्ड वन इज फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन. इसमें क्या होता है, अपने को मैनुअल की ज़रूरत नहीं रहती है, ये ऑटोमेटिकली वर्क होता है. जस्ट अपने को अपना मशीन ऑन करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली स्पिन होता है, स्पिन कर सकते हैं और अपने क्लोथ ड्राई वॉश होते हैं, ड्राई और वॉश कर सकते हैं. थैंक यू.